बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? ठीक हैं। आज मैं बना रही हूँ बिस्किट। इसके लिए मैंने लिए 2 कप आटा, और ये घर के जो कप होते हैं वो आम कप, कोई मेजरिंग कप नहीं है। जो भी आप इस्तेमाल करें उसका हाफ आपने लेना है सूजी। इसको इसमें कुछ और नहीं जाएगा। एक चौथाई कप जाएगा कोकोनट पाउडर, एक चौथाई कप जाएगा इसमें ड्राई मिल्क। इस सबको हमने मिक्स कर लेना अच्छे से, और इतना सा घी जाएगा तकरीबन, छोटे वाला कप जाएगा इसमें घी का। ऐसे निकाल देना, जिसको हमने मिक्स कर देना है अच्छे से। अच्छा, इसको हमने इधर ऐसे मिक्स करके छोड़ देना है। इसमें ना सोडा जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हमने जितना हमने मैदा लिया है उसका हाफ हमने लेना है चीनी का। इतनी हमने चीनी ली है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसको हमने मिक्स कर लेना है। चीनी हमने बिल्कुल गोलनी नहीं है, मिक्स नहीं करनी, बस इतना करना है कि इसमें दाना नजर आए, और इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिला देना है। आपने अक्सर देखा होगा बिस्कुटों के ऊपर चीनी चमकती हुई, तो ये वैसे ही होंगे और बहुत जल्दी बनने वाले हैं। इसको हम बेक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बहुत क्रिस्पी, बहुत मजेदार से हमारे बिस्किट बनेंगे। इसमें देखिए हमने बहुत ज्यादा घी भी नहीं मिलाना, जैसे दूसरे बिस्कुटों में डलता है। अच्छा, इसमें इतना ही हमने पानी डालना है जिससे आटा हमारा अच्छे से घुल जाए। हमने आटे को ऐसे सेट कर लेना है, जैसे आटा घूलते हैं ऐसे ही घूल के हमने रख लेना है, और थोड़ी सी देर के लिए हमने छोड़ देना है। अच्छा, अब हमने इसके बना लेने हैं पेड़े। इसको हमने ऐसे बेल लेना है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेने के लिए साइड ऐसे हैं, साइडों को हमने निकाल देना है। बहुत पतला भी हमने नहीं करना, ये आटा बिल्कुल भी जाया नहीं होगा। फिर से अच्छा, आपने बड़े बनाने हैं या छोटे बनाने हैं, ये आपने अपने हिसाब से करना करना है। मैं इसमें से ये देखेंगे इतना मोटा होना चाहिए। फिर हमने इसमें लगा लेने हैं ये उल्टे साइड से ऐसे। ऐसे हमने सारे बिस्किट तैयार कर लेने। ये देखिए हमने सारे बिस्किट बना लिए। अब हमने ऑयल रखा हुआ है गर्म होने के लिए। ये घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, बहुत तेज हमने गर्म नहीं करना, नीम गर्म करना है, और इसमें हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। और डीप फ्राई नहीं करना, बस घी हमने इतना ही डालना है।
ये इसको हमने, ये देखें इसमें बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। इसको हमने इतनी आंच पे बनाना है, बहुत लो भी नहीं हो, बस मीडियम से थोड़ी सी कम हो, फिर हमारे बिस्किट क्रिस्पी से बनेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगा करें आपको तो वीडियो लाइक किया करें और शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, ये आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफा होता है। बस ना प्रसाद, अच्छा 5 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, 5 मिनट के बाद हमने इसको हलाना है। ये 2 से 3 मिनट हुए अभी और इस पर कलर आना शुरू हो गया। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे हमारे ये बिस्किट। कलर देखिए कितना प्यारा है, थोड़ा सा हम इसको मूव करेंगे। ये देखें इसका कितना प्यारा कलर आ गया और ये अच्छे से पक गए। अब हम इसको निकाल लेंगे, बाकी सारे हमने ऐसे ही बना लेने, ये जैसे सुपर बिस्किट होते हैं ना ये बिल्कुल वैसे ही ले लेंगे। आपको लीजिए हमारे मजेदार से बिस्किट तैयार हैं, देखें कितने क्रंची, कितने क्रिस्पी और कितने शानदार लग रहे हैं, देखने में भी और खाने में भी बहुत मजे के, अंदर तक पके और बिल्कुल ये बाहर के बिस्किटों की तरह है। इसकी बेकिंग में भी इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि हमने बेक तो किया ही नहीं है, फ्राई किया है, इसलिए ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।